In this question, given that a and b are the positive real numbers and a plus b equals to 4, the minimum value of 1 plus 1 by a into 1 plus 1 by b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, हमें दिया हुआ है a plus b की मिनिमम वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 4. a plus b इक्वल टू 4 हमें दी हुई है. सो बाय यूजिंग द am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, हम ab की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. किसकी? ab की वैल्यू. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाती है, सो मीन्स बाई यूजिंग दी प्रॉपर्टी ए एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम. ए एम क्या होगा ए और बी का, तो ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी. तो ए प्लस बी क्या वैल्यू, फोर बाई टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट ए बी. सो ये टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. सो रूट ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज लेस दैन इक्वल टू टू. और स्क्वायर्स करेंगे तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, ए बी लेस दैन इक्वल टू फोर. सो मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू फोर. सो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, फोर. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, मिनिमम वैल्यू ऑफ वन प्लस वन बाई ए इंटू वन प्लस वन बाई बी. मीन्स वन प्लस वन बाई ए इंटू वन प्लस वन बाई बी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी. इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई ए बी. सो विच इज इक्वल टू वन प्लस, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी. ए बी एलसीएम आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस ए प्लस वन, विच इज इक्वल टू वन प्लस ए प्लस बी प्लस वन अपॉन ए बी. नाउ वी नो दैट ए प्लस बी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी इज गिवन इन इक्वेशन इज इक्वल टू फोर. यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस ए प्लस बी इज फोर, सो फोर प्लस वन अपॉन ए बी. इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, वन प्लस फाइव अपॉन ए बी. तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, ए बी की मैक्सिमम वैल्यू. और ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ए बी मैक्सिमम वैल्यू इज फोर, क्या है फोर. सो मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस फाइव अपॉन फोर. क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ए बी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू फोर. तो वैल्यू क्या होगी, वन प्लस फाइव अपॉन फोर विच इज इक्वल टू नाइन बाई फोर. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाई ए इंटू वन प्लस वन बाई बी इक्वल्स टू 9 बाई फोर. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन.